हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। यहां पर देख सकते हैं एक लिस्ट मैंने क्रिएट की है जिसमें मैंने स्टूडेंट का नेम लिखा है, नेम और फिर क्लास लिखा है, यानी हमने यूज किया डिक्शनरी डेटा टाइप। अब ये करंट प्रूफ कहां है कि ये डिक्शनरी डेटा टाइप है, तो यहां पर आप लिखिए प्रिंट और टाइप कीवर्ड का यूज कीजिए और यहां पर दे दीजिए ए, यानी ए का टाइप हमें पता करना, बस रन करवा दीजिए। अभी आपको इसका टाइप पता चल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर डिक्ट यानी डिक्शनरी डेटा टाइप बता रहा है, यानी ये तो क्लियर है कि ये डिक्शनरी डेटा टाइप है। अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करके यहां पर दे देंगे ए, यानी ए नाम से ही बनाया है डिक्शनरी, तो ए दे दिया तो यहां पर ए प्रिंट हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाती है। ये प्रिंट हो गया ना, नेम राम है, क्लास 12th है, ठीक है। सेक्शन कर देते हैं, यहां पर सेक्शन भी कर सकते हैं हम, तो आप चाहे तो यहां पे सेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर सिंगल इंटेड कॉमा लिखता हूं एसईसी यानी सेक्शन, और सेक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद सेक्शन ए बी सी जो भी देना है यहां पर डबल इंटेड कोट्स या सिंगल इंटेड कोट्स के अंदर आप ए दे दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। अब अगर इसको रन करवाते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर रन करवाया तो देख सकते हैं सेक्शन भी हमारा प्रिंट हो जा रहा है।